हम निकल चुके हैं एक नए सफर पे। इस समय बज रहे हैं 3 और मैं इस समय कैब का वेट कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने कैब बुक कर दी है, तो वो अभी 5 मिनट शो कर रहा है आने के लिए। और आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा है, हर जगह शांति है, बस कुछ गाड़ियाँ इधर से उधर जा रही हैं। तो वेट करते हैं कुछ नए सफ़र के लिए, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है हमारे साथ, तो बने रहिए, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम इन आर ब्लॉग। सो सुबह सुबह आप सोच रहे होंगे रेडी वेडी होके और कहाँ चल दिए। तो आज हम आपको लेके जाने वाले हैं दिल्ली के बाहर, मतलब आउट ऑफ दिल्ली का ब्लॉग है ये। सो दिल्ली की बहुत सारी जगह हमारे साथ आप लोगों ने घूमी ली है, तो चलो अब दिल्ली के बाहर का हम थोड़ा सा विजिट करके आते हैं। एक बहुत सुंदर सिटी जहाँ हमारा जाने का काफ़ी दिन से प्लान था, तो फाइनली आप लोगों के साथ हमने ये प्लान बनाया और निकल गए सुबह सुबह हम अपनी जर्नी के लिए। सुबह 3:30 बजे थे, हम लोग ने कैब बुक करी थी, कैब लेके हम निकल लिए ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये ओल्ड दिल्ली का रेलवे स्टेशन है और इसके अब हम अंदर चलेंगे। ये सुबह सुबह इतनी ठंडी हो रखी थी, इतना कोहरा था बहुत ज़्यादा। ये ओल्ड दिल्ली का रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा था। यहाँ आके थोड़ा सा ठीक लगा इन यात्रियों को देख के कि हम ही सिर्फ एक उल्लू नहीं है, बाकी सारे भी हैं जो सुबह सुबह जग के यहाँ इतनी ठंडी में बैठे हैं। तो हमने फिर ट्रेन का वेट करते करते हमने चाय पी, क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए। तो फाइनली हमारी ट्रेन भी आ ही गई थी जो ओल्ड दिल्ली टू जयपुर जाने वाली थी। वैसे इसका लास्ट स्टॉप अजमेर है, हमारा स्टॉप थोड़ा बीच में था। तो यहाँ ट्रेन पकड़ के हम पहुँच गए जयपुर के स्टेशन पर। तो हम लोग बहुत टाइम से उतर गए थे, 12-1 बजे के आसपास ही। तो यहाँ का मतलब वैसे तो स्टेशन लगभग सारे ही सेम होते हैं, हमें लगा कि जयपुर के स्टेशन की कुछ थीम अलग होगी, लाइक कुछ पेंटिंग वगैरह बनी होगी, बट ऐसा नहीं था, नॉर्मल स्टेशन ही था। फिर वहाँ से जो हमारा होटल था जितना दूर था, उसके लिए हमें मेट्रो करनी थी, जिसका सजेशन हमें दिया था होटल वालों ने कि आप आओगे तो मेट्रो से आना, वरना ऑटो वाले आपके काफ़ी सारे चार्जेस ले लेंगे। तो हमने यहाँ से मेट्रो पकड़ी, एक स्टेशन के बाद ही हमारा स्टॉप था। फिर हम उतरे चांदपोल जो हमारा नियर बाय था होटल के। ये हम फाइनली प्रवेश कर चुके हैं जयपुर में। ये जयपुर के बाहर का व्यू जो मेट्रो से निकलने के बाद हमें मिला। फाइनली हमने होटल में एंट्री ली और ये था हमारा खूबसूरत सा रूम। काफ़ी अच्छा था और इस होटल के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है और क्लीनिंग भी बहुत अच्छी है, ये हमने एक्सपीरियंस किया यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा था, वाईफाई वगैरह सब फ्री था, तो ये हमारे लिए थी एक एडिशनल फायर। फिर हम लोग फटाफट हुए रेडी थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद और निकल गए। रेडी होके जब हम निकले तो हमने सोचा, आज पहले हम सोच रहे थे कि क्या ही विजिट करने के लिए हमें मिलेगा, कुछ आता पता था नहीं कि क्या किधर है। फिर हमने होटल वाले से रिव्यू लिया, उसके बाद हम रिक्शे में बैठे। इन भैया ने हमें दी पूरी जानकारी यहाँ की, क्योंकि वो पहले ही उन्होंने हमें बोल दिया था कि आप यहाँ के नहीं लग रहे हो, आप शायद बाहर से आए हो। हमने कहा हाँ जी, तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, फिर उसके बाद उन्होंने हमें गाइड किया कि आप यहाँ जा सकते हो इवनिंग टाइम में, ये वो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बताई। फिर यहाँ से फाइनली स्टार्ट होती है हमारी पिंक सिटी। तो मतलब इसका व्यू जैसे जैसे शाम हो रही थी इतना अच्छा हो रहा था, और ये और भी ज़्यादा सजी हुई थी पिंक सिटी, जस्ट बिकॉज क्योंकि 22 तारीख को अयोध्या जी में राम जी का भी सेलिब्रेशन था, तो यही सेलिब्रेशन के लिए ये भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। जितनी जितनी शाम होती जा रही थी, थोड़ा सा इवनिंग टाइम जा रहा था, वैसे वैसे इतना सुंदर। और ये रास्ते में हमें मिला हवा महल, जिसको देख के इतना अच्छा लग रहा था, मतलब इतना खूबसूरत लगता है ये। इसकी रियल ब्यूटी तो आप वहीं जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये यहाँ की सड़कें जहाँ खुलेआम पटाखे बिक रहे थे, जहाँ दिल्ली में शायद नहीं होता है, और मतलब काफ़ी ही सुंदर व्यू आपको दिखने को मिलेगा। मतलब ये था कि यहाँ पर इवनिंग में बेशक हम ज़्यादा अच्छे जगह नहीं घूम पाए, लेकिन हाँ, यहाँ की जो सड़कों में का एक्सपीरियंस था रिक्शे में बैठ कर, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। आप गेट ही देख रहे हो, ये कितना सुंदर दिख रहा है, मतलब पिंक सिटी का गेट ही बहुत सुंदर है। तो इसमें अब एंटर हुए और फिर हमने भैया के गाइडेंस लेते हुए हमने डिसाइड किया कि फाइनली हम जाएंगे जल महल, जो रात में देखने में काफ़ी सुंदर लगता है।
तो ये मेरी एक्साइटमेंट आपको दिखी हुई होगी क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी इस जयपुर ट्रिप के लिए। और तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि बस मैं मतलब क्या कहाँ मैं एक ही दिन में सारी जगह चली जाऊँ और बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँ, मतलब मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। सो कुछ एक्सपीरियंस मैं उन्हें बता रही थी कि मुझे अभी तक का कैसे लगा और मैं आगे क्या क्या एक्सपीरियंस करने वाली हूँ, आपके साथ क्या क्या शेयर करने वाली हूँ, ये सब मैंने बताया। तो वही हमारा अभी रास्ता चल ही रहा था और मतलब यहाँ के होटल्स इतने ज़्यादा, इतने सुंदर सुंदर होटल ही बाहर देखने में लग रहे थे। ये फाइनली हम पहुँच जाते हैं जल महल। तो रात का इसका व्यू इतना सुंदर है, रियल ब्यूटी हम कैमरे में कैद नहीं कर पाए लेकिन जब आप यहाँ आके देखोगे सीरियसली इट वॉज माइंड ब्लोइंग, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर व्यू था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था ये देख के। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ के लिए मिल जाएगा, मतलब ड्रेस पहन के आप फ़ोटोज़ ले सकते हो। तो हमने सोचा कि जब हम इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना एक फ़ोटो भी हो ही जाए। उसके बाद हम ड्रेस सिलेक्ट कर रहे थे, इन भैया ने कहा कि आप ड्रेस सिलेक्ट कर लो फिर ये पहना देंगे हमें, 100 रुपीज़ की एक फ़ोटो निकाल रहे थे ये, तो वैसे तो बहुत कॉस्टली है ये, बट इवन दैट कोई बात नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं भैया आप पहनाओ। हमने फिर मैंने करीब ब्लैक ड्रेस चूज़ जिसके ऊपर रेड से इनकी कारीगरी की हुई थी, जो इनके ऊपर है ना गोटा वगैरह लगा होता है वो, तो इन्होंने फिर मुझे फटाफट से पहनाई ड्रेस। और ये मतलब इस ड्रेस का तो लुक ही कुछ अलग होता है, देखने में इतनी खूबसूरत और पूरा ट्रेडिशनल लुक, वाओ, मतलब ऐसा लगता है कि एक बार अगर पहन लो तो बस पहनते ही रह जाओ, मतलब। सो ये फटाफट मैं हो रही थी रेडी, इन भैया ने मतलब बहुत जल्दी मुझे फटाक से एकदम ड्रेस पहना दिया। अभी मेरा फाइनल लुक आने वाला है तो वेट करें उस लुक का। और यस, फाइनल लुक में मैं कैसी लग रही थी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो 1, 2, 3 ये मैं फाइनल लुक में आने वाली हूँ। अभी तक नहीं आई, अरे कहाँ गई। अच्छा, इन भैया से मैं डिस्कस कर रही थी कि क्या क्या पहनाना है और क्या क्या पहनाना है और ऐसे ऐसे, ये तो फाइनली मेरा फाइनल लुक आ जाता है। तो बताओ मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ, वैसे मतलब अच्छी तो लग ही रही हूँ। और मैं इन भैया से ये भी बोल रही थी कि मेरे को आपने हाथ में पहनने के लिए नहीं दिया। यस, फिर मेरे बाद इनकी बारी थी क्योंकि देख के मन चली जाता है, तो फिर इनकी बारी थी। इन्होंने फटाक से भैया ने इनके लिए भी करी ड्रेस रेडी और ये वाओ, मतलब ये यार एक अलग ही लुक है। फिर उसके बाद इन्होंने फटाफट पगड़ी इतनी जल्दी बांधी, तो सेम वही करते हैं हम। 1, 2, 3 ओ वाओ, वंडरफुल लुक्स लग रहे ना, मतलब ये ट्रेडिशनल लुक और इस स्पेशली राजस्थानी और जयपुर लुक मतलब बहुत ही सही लगता है। और फिर उसके बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और निकल गए अपने हम रास्ते की तरफ। यहाँ पे हमारा बेशक जल महल का इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा जस्ट बिकॉज क्योंकि हम ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं खींच पाए, यस, बट यहाँ की जो सड़कें थी वहाँ का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जयपुर में हम रात में ही घूमते रहे। और वहाँ पे हमें जितने लोग रिक्शे में मिल रहे थे देवोज मतलब बहुत बहुत अच्छे थे, हमने इतने लोगों से दोस्ती करी, मतलब हर कोई फैमिलियर ऐसे लगता ही नहीं था कि स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं वो, कि हाँ आप यहाँ घूमने आए हो, यहाँ ज़रूर जाना, यहाँ ज़रूर जाना, इतना का टिकट है, ये पड़ेगा, मतलब बहुत बहुत अच्छे लोग थे यहाँ के। तो और ये इतनी सुंदर थी कि हमें ऐसा मन कर रहा था कि रात भर हम रिक्शे में ही घूमते रहे। एक तो ये पिंक सिटी, ऊपर से इतनी लाइटिंग, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सिटी है ये। सो ये है हमारा डे 1। सो उसके बाद हमने भूख लगी थी तो हमने कहा चलो कुछ फाइंड कर देते, डिनर पैक करा रहे क्योंकि हमें वैसे कोई मिली नहीं है, तो आज हम अब इनसे कुछ रिव्यू लेंगे, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे कि इन्हें सिटी कैसी लगी, और तो चलो इनसे बात करते। तो सर आपको, आप वैसे यहीं पे रहते हैं क्या? हाँ, यहीं पे रहते हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हैं? मेरे बाप दादा यहीं पे, मेरा जन्म यहीं का है। अच्छा अच्छा, ये एक ये इनके सब कुछ यहीं पे है, मतलब काफी अच्छी सिटी है। और सबसे मेन बात ये कि यहाँ पे ना बहुत फैमिली लोग हमें मिले हैं। तो वैसे कितने दिनों से चला रहे हो आप ये अपना बिजनेस? 7 साल से हो गए, 7 साल यहाँ। अच्छा, तो कैसा प्रॉफिट रहता है और मतलब कितने ऐसे नए नए लोग आपको यहाँ देखने को मिलते हैं? प्रॉफिट क्या, हम तो सेवा कर रहे हैं, 60 में क्या सब्जी रोटी चावल दे रहे हैं, आजकल क्या था 60 रुपए। वैसे बहुत सही बात है। और जयपुर में वैसे सबसे सस्ता मतलब अभी तक हमारे एक्सपीरियंस रहा है तो दान बोल है, यहाँ पे अनाज मंडी वहाँ पे साला से ढाबा। तो ये आपको एड्रेस बता रहे हैं, ये 3 नंबर जो गेट है, 2 नंबर मेट्रो स्टेशन गेट, इसके सामने है। और इनका सबसे अच्छा खाना है यहाँ का जो हम भी ट्राई करने वाले हैं, तो आप भी जब आए तो एकदम जरूर ट्राई करें। थैंक यू सर।
तो आज का रिव्यू मैं बताना चाहूँगी, बहुत अच्छे लोग थे, जितनी हमने सड़कें घूमी हैं और जितने हमने रिक्शे चेंज करे हैं, यहाँ के सभी लोग बहुत फैमिलियर थे और मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ के लोगों को इतनी नॉलेज है इस सिटी के बारे में, और ये सुन के मतलब काफ़ी लोग फैमिलियर है और आपसे मतलब एक ऐसा लगा ही नहीं कि हम स्ट्रेंजर हैं यहाँ पे। उन्होंने इतने अच्छे से बात करी और एक एक चीज़ को, और उन्होंने स्पेशली हमसे बोला कि आप विजिट करने आए हो तो ये जरूर जाना, वहाँ जरूर जाना, इतना टिकट है, मतलब एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज का। सो ये हमारा पहला दिन था, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट दिन में, बाय बाय।